वरिष्ठ मॉडल, कॉमेडियन, फिल्म और थिएटर अभिनेता दिनियार कॉन्ट्रैक्टर का बुधवार को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। परिवार के अनुसार वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिनियार का अंतिम संस्कार बुधवार को ही वर्ली मुंबई में शाम 3:30 बजे किया जाएगा। इसी साल मिला था पद्मश्री अवार्ड दिनियार को। 2019 में ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अपने नाम की घोषणा होने के बाद दिनियार ने एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा कोई बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब ढेर सारे फोन कॉल्स आए तब पता चला कि मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर दिनियार के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, पद्मश्री दिनियार कॉन्ट्रैक्टर विशेष थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी खुशियां फैलाई। उनके बहुमुखी अभिनय ने कई चेहरों पर मुस्कान ला दी, चाहे वह रंगमंच हो, टेलीविजन हो या फिल्में। उन्होंने सभी माध्यमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके निधन से दुखी हूं। इन फिल्मों में किया काम। 1966 से कैरियर की शुरुआत करने वाले दिनियार को खास तौर पर बाजीगर, 36 चाइना टाउन, खिलाड़ी, बादशाह जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया था। दिनियार ने अपना कैरियर थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था। वे हिंदी और गुजराती नाटकों में ज्यादा काम करते थे।